हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली जायका। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। बहुत ही बेसिक सी डिश है, सारे घरों में बनती है। थोड़ा सा ट्विस्ट लेके हम इसे बनाएंगे, जिससे आपको इसका फ्लेवर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फील होगा। उसके लिए सबसे पहले हमने ले ली है ये पालक। ये फ्रेश मेरे बगीचे की पालक है, तो आप देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं। अगर आपको इस तरह की पालक मिल सके तो सबसे अच्छी बात है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, तो अच्छी बनती है। इसकी आप सॉफ्ट वाली डंडियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि हमें इस पालक को ब्लांच करके उसकी प्यूरी बना लेनी है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं वो है, फ्रेश पनीर यहाँ पर लिया हुआ है लगभग 250 ग्राम, प्याज लिया हुआ है काफ़ी फाइनली चॉप करके, यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हुए हैं, उनको हमने एक पेस्ट के रूप में बना लिया है मिक्सर में, 3-4 कलियां लहसुन की ली हैं, उनको भी बहुत फाइनली चॉप कर लिया है, ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है 2 चम्मच के करीब, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, यहाँ पर हल्दी पाउडर है, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे 1 चम्मच के करीब ही, यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है, ये वो है जो तीखी होती है मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच ही यहाँ पर साबुत जीरा लिया हुआ है, 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर लिया हुआ है, 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला लिया हुआ है, 2 साबुत लाल मिर्चें ली हुई हैं, और एंड में गार्निशिंग के लिए हमने इसमें मलाई ली हुई है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो है पालक को ब्लांच करके प्यूरे बनाने का। उसके बाद हम जैसे ही सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे हम आपको और दिखाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्यूरे हमारी रेडी हो चुकी है, जो हमने पालक को पीस के बनाई है, ब्लांच करके पीस के, वो रेडी हो चुकी है। तब तक के लिए हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। मैं सरसों का तेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कोई भी सब्जी बनाने के लिए। आप चाहें तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटक गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि तेल हमारा काफ़ी गर्म था, तो साथ साथ ही प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस ये हल्का सा गोल्डन कलर आते ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर देंगे। इसी टाइम पे हम अपने ड्राई स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, तो
इसे लगभग हमें 2-3 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारे जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं वो प्याज के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसी स्टेज पर हम अपना टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इस ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अभी बहुत ज्यादा ऑयल इसमें नजर नहीं आ रहा है, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इसको पकाते रहेंगे हम, और इस प्रोसेस में हमको लगभग लगभग 10 मिनट लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ग्रेवी को पकते हुए अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा ऑयल रिलीज हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम अपने पालक की प्यूरी इसमें डालेंगे। क्योंकि हमारे पालक ब्लांच किए हुए हैं, लगभग पके हुए हैं, तो हमें इन्हें बहुत सारा पकाना नहीं है, पर ये ग्रेवी के साथ पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएं, इसलिए इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा कंसिस्टेंसी ऐड करने के लिए इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसी स्टेज पर इसमें पनीर ऐड कर देंगे अपने। अब इसमें हमने काफी पानी ऐड किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी। इसी स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि अब हमें इसको 5 मिनट तक ढक के पकाना है। गरम मसाला हम हमेशा लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब ढक के पकाते हैं तो फ्लेवर्स जो होते हैं गरम मसाले के वो इसमें अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे और उसके बाद हम इसका लास्ट तड़का बनाएंगे। आपसे 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल बन के तैयार है, बहुत अच्छी सी लग रही है। बट अब मैं आपको जो मैंने बिगनिंग में आपको बताया था कि रेस्टोरेंट वाला टिप बताऊंगी, तो रेस्टोरेंट में जो टिप होता है वो हमेशा लास्ट वाले तड़के का होता है। लास्ट जो तड़का होता है जो सर्व करने से पहले लगाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इतना तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर ऑर्डर पे फ्रेश फूड बनाए, तो उनकी सारी चीजें प्री कुक्ड होती है। लेकिन जो लास्ट तड़का वो लगाते हैं, सारा फ्लेवर जो आता है उनका वो उस तड़के से ही आता है। तो लास्ट तड़का जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हमने यहाँ एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें हम यहाँ देसी घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बटर का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है किसी भी साग में, पर मुझे लग रहा है कि मैंने शायद नमक थोड़ा ज़्यादा कर लिया है इसलिए मैं इसमें इस वक्त बटर नहीं डाल रही हूँ। इसमें साबुत लाल मिर्च जो हमने रखी थी वो हम पीस करके डालेंगे। ये जो चॉप्ड गार्लिक मैंने रखवाया था क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, ये चॉप्ड गार्लिक हम अलग से इसलिए डाल रहे हैं कि ऊपर से तड़के में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ब्राउन नहीं करना, आपको भी पता होगा इस चीज़ का कि किसी भी साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो क्योंकि ये भी पालक पनीर है तो इसमें भी लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बहुत ब्राउन नहीं करना, गैस को हम इस पॉइंट पे
बंद कर देंगे और अब ये तड़का हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। थोड़ा सा और ऐड ऑन करने के लिए हमने यहाँ पर मलाई ली हुई है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, उसको भी आप इसके ऊपर डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से और ये बहुत टेस्टी बना होगा, बिकॉज सारा कमाल जो होता है वो लास्ट में तड़के का होता है। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिल सके। थैंक यू।